अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? कोई इम्पोर्टेंट अपडेट है जी आरओपी की जानब से, और ये सिर्फ ओमान की नहीं है, पूरे जीसीसी की है। रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से जीसीसी ममालिक की, तो उसमें एक नई चीज़ भी सामने आई है, और वो है सेंट्रलाइज ट्रैफिक फाइंस। यानी जितने भी ट्रैफिक के जुर्माने हैं ना, अगर अगर क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी करते हैं विद इन जीसीसी कंट्रीज़, तो उनके इधर उधर जो बाकी ममालिक में जुर्माने होते हैं, बहुत सारे दोस्त हमें पर्सनली बताते हैं कि भैया सऊदी अरेबिया के गाड़ी दौड़ाई, जितना मर्जी कैमरे शैमरे लगे लेकिन वापस आ गए। यूएई में लोगों के फ़ाइन होते हैं, लेकिन वो इमीडिएटली यानी वो अपडेट नहीं होते होंगे, कुछ अरसे के बाद होते हैं। ओमान में भी ऐसा ही है, बहुत कम जगहों पर जो है अगर आपको कैमरा कैच करता है तो वो सेम डे जो है अपडेट होता है, या सेम आवर्स में भी कुछ अपडेट हो जाते हैं, या फिर कुछ दिनों के बाद अपडेट होता है डाटा। तो ओमान और बाकी तमाम जीसीसी ममालिक जो हैं वो सेंट्रलाइज करने जा रहे हैं सिस्टम को। यानी अगर आपका कोई सऊदी अरब में फ़ाइन है तो वो आपको ओमान में भी पकड़े जाएंगे, यूएई जाते हैं इधर आके आपको फिर लॉ लगेंगे। और दूसरा है कि अभी तक तो ओमान में जो है ना सिर्फ ट्रैफिक रिवोल्यूशन के जितने भी फाइन है वोलेशन के वो पे करके एग्जिट होना पड़ता है, बेशक आप किसी भी मुल्क जाएं। तो फ्यूचर में क्या होगा कि अगर आपका यूएई का फाइन है लेकिन आप ओमान में हैं, यूए गए थे वहाँ आप जुर्माना हुआ, इधर आ गए यहाँ से जाएंगे तो भी आपके ऊपर वो अप्लाई होना है। यानी किसी भी दूसरे मुल्क का फाइन जो है आप उसे बच नहीं पाएंगे, आपने अल्टीमेटली वो पे करने ही करना है। और उसके बाद वो जो दूसरी चीज़ें ना मोबाइल के बिल या पानी बिजली के, तो भैया उसके ऊपर भी गवर्नमेंट पिछले 2 साल से जो है ना जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ बातचीत कर रही है, और कुछ अथॉरिटीज स्पेशली ओमान टेल और रिडो जो है इनको लोगों ने बड़ा चूना लगाया, मोबाइल लिया और ठीक है इंस्टॉलमेंट वाला, तो उसके ऊपर बड़ी सख्ती से जो है ना आने वाले दिनों में फैसले होंगे। बस दुआ करें कि राहती हो, राहत क्या, जो लोग ये काम करते हैं फिर वो पकड़े जाएंगे, वरना क्या कहना चाह रहा था मैं, वरना जो है फिर वो चलते रहेंगे और वो बार बार जो है ना वो कमिट करेंगे ये सेम क्राइम जो है। बहरहाल दुआ करें कि जो भी आए सही हो हम सब के लिए, और अल्लाह ताला खैर फरमाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।